रुक रे चल रे का है रोबल आ रहा चल चल जा तो हम तैयार से ना ना तेरा आइए अंदर आइए थैंक यू मैम मैम एडमिशन कराना था बच्चा जी हो जाएगा कौन से क्लास में नर्सरी क्लास में बाबू अब इधर आ जाओ आपका नाम क्या है रुबिन प्रसाद एबीसीडी आता है आपको सुनाइए तो अरे वाह वेरी गुड आपको तो आता है और आपको खाने में क्या पसंद है रसगुल्ला अच्छा रसगुल्ला पसंद है आपको अच्छा ठीक है जाइए आप वहाँ पे जी हाँ आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा आइए हम आपको यहाँ पे सारे कंडीशन बता देते हैं ठीक है मैम जैसे मैं फी हूँ बता दीजिए हाँ बताती हूँ और जो भी चीजें मिलेंगी और क्या इसका फी देना होगा क्योंकि मैं हम लोग गाँव से हम लोग तो उतने पढ़े लिखे लोग नहीं है तो जो भी आप बता दीजिए थोड़ा हाँ तो बच्चे का ड्रेस भी यहीं से मिल जाएगा कॉपी किताब भी यहीं से मिल जाएंगे और उसके लिए टेंशन नहीं लेना होगा आपको और लंच वगैरह सब यहीं से मिल जाएगा मतलब जो लंच होता है घर से वो देना नहीं हमें नहीं यहाँ पे कैंटीन है वहीं से बच्चे को लंच दिया जाएगा तो हम बच्चे को रोजाना छोड़ने आ जाएंगे नहीं 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 छोड़ने नहीं आना होगा यहाँ पे गाड़ी है जो आपको घर तक छोड़ेगी फिर यहाँ पहुँचाएगी तो मैम उसका भी कुछ पैसा हाँ हाँ सारी चीज का अलग अलग पैसा लगेंगे मैंने ड्रेस का अलग किताब का अलग और जी हाँ गाड़ी का खाने का जी हाँ सबके अलग अलग लगेंगे पैसे तो मैम वो मैं पूछ रहा था कि इससे मुझे अभी कितना जमा करना और महीने का कितना लग जाएगा देखिए अभी तो एडमिशन करवाएंगे आप हाँ मैम तो 30 से 40 हजार लग जाएंगे अभी मैंने 30 से 40 हजार में क्या उसे ड्रेस मिल जाएगा जी हाँ ड्रेस मिल जाएंगे बुक कॉपी सब मिल जाएंगे आपको और मैम मंथली क्या लग जाएगा सारा चीजों का लेकर के मैम क्योंकि हम लोग गाँव से हमारी उतनी इनकम नहीं है मैम एक बच्चा है चाह रहा है कि उसको अच्छा से पढ़ा ले हाँ तो आपकी मंथली लग जाएगी वही 6 से 7 हजार रुपए मतलब 6 से 7 हजार में मेरा बच्चा अच्छा से पढ़ा जी हाँ मैं वो सारा चीज मंथली फी रहेगी मंथली फी हाँ सारा चीज उसे मिल जाएगा तो आप बुक कॉपी ड्रेस इस सबका टेंशन मत लीजिए ठीक है और आपको सारा यहाँ पे हो जाएगा आप जाइए काउंटर के पास जमा करवा दीजिए पैसे अच्छा मैम तो मैं सारा पैसा जमा करा देता हूँ और कागज स्लिप जो है कटवा लेता हूँ जी हाँ जाइए मैम एक छोटा सा सवाल पूछना था हाँ पूछिए मेरा बच्चा अच्छा से शिक्षित हो जाएगा ना मैम पढ़ लेगा ना अच्छा से वो पागल पागल हो क्या दिमाग उमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा सारा ठीक है क्या प्राइवेट स्कूल लेके बैठेगा 2 घंटे ट्यूशन क्लास करवाओ घर में ध्यान दो यहाँ पे जो यहाँ पे होता है एक्स्ट्रा क्लास तो मैम मैं बोल रहा था कि एक्स्ट्रा क्लास जो होगा उसका तो अलग से पैसा भी देना होगा ना तो नहीं लगेगा उसका फी क्या टीचर खट रहे हैं यहाँ पे क्यों खट रहे हैं मैम आप सही मत मैं तो बस पूछ रहा था कि जैसे इतने सारे पैसे लग रहे हैं तो फिर अलग ट्यूशन देना एक्स्ट्रा क्लास देना मैम हम लोग गरीब लोग कहाँ से इतना एफोर्ड यही तो है तुम लोग का मजबूरी क्यों आ जाते हो इतने बड़े स्कूल में लेके नहीं मैम हम दे देंगे हम कर देंगे हम ट्यूशन भी लगा लेंगे मैम और एक्स्ट्रा क्लास भी भेज देंगे आप मैम हम पैसा वहां जमा कर दे रहे जाइए आप वहां पे धन्यवाद औकात तो है नहीं बच्चे को लेके पहुंच जाएंगे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए हाँ सिर्फ हम लोग को लूटा जा रहा है पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है पढ़ाई के नाम पे सारे के सारे पन्ने खाली है एकदम चिल्ला क्या रहे हो तमीज नाम का चीज ही नहीं है एकदम से तुम्हारा भाई एक्स्ट्रा क्लास आता है हाँ क्लास आता तो है लेकिन 4 घंटा होता क्या मजाक पता है भाई मैं इतना मोटा मोटा किताब खरीदता हूँ उसको पढ़ने के लिए लेकिन ये लो एक चैप्टर जो उसका ठीक से पढ़ा दे तुम क्या करे वहाँ पे जाओ काउंटर के पास नहीं नहीं मुझे भी तो जानना होगा ना कि स्कूल में होता क्या है मुझे भी अपना बच्चा एडमिशन कराना है टाइम पास तो नहीं कराना और आपको फ्री का फोकट का पैसा तो नहीं देना हमको एडमिशन के टाइम पर लूट के 30 हजार रुपया लिया गया था पढ़ाई नहीं
और स्कूल 4 घंटे ऊपर से 6 घंटे एक्स्ट्रा क्लास। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? अच्छा अब बदतमीजी हो रहा है, हम लोग सच्चाई खोल रहे हैं, अगर प्राइवेट स्कूलों का तो वो बदतमीजी है, ये ऐसे ही पैसा भर रहा है, मैं ऐसे ही पैसा भरू। तुम बाहर जाओ। टीचर एक गुरु होता है और स्कूल एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे बच्चा अपने लाइफ में डिसिप्लिन सीखता है, लेकिन ये स्कूल नहीं, नौटंकी बना के रख दिया। आजकल सब प्राइवेट स्कूल का यही हाल है यार। क्या सदा क्या बदतमीजी कर रहे हो? चलो निकलो बाहर यहाँ से, जो अपने बच्चों को लेके जाओ सरकारी स्कूल, ना बढ़ो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से बाहर। यही प्राइवेट स्कूलों का हाल है कि जब तक बच्चा एडमिशन करवाना होगा आपको पूरा सर पे चढ़ा कर रखेगा, फिर देख रहे हैं इनके बोलने का लिहाज आ रही है, बोलते हैं शिक्षा दे रहे हैं, ये गुरु है जो खुद अंधेरे में बच्चे को क्या उजाला दिलाएंगे। यही तो सोच है छोटे लोगों का। अच्छा हम छोटे लोग, हम ही लोग के पैसे से आप लोग का घर चल रहा है और शिक्षा के नाम पे केवल और केवल आप लोग 5 स्टार बना के रख दिए हैं विद्यालय ने। हम लोग का जब तक गुरुकुल था ना भाई, तब तक बहुत बढ़िया था। आप यहाँ पे आए क्यों? आपके लिए वही सही है सरकारी स्कूल। हमारे ग्रंथों में लिखा था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा और गुरुर साक्षात ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आप लोग गुरु के नाम पे कलंक है, इस चीज को समझ जाइए आप लोग, और नहीं कराना अपना बच्चा हमको ये एडमिशन। और हर स्कूल का ये हाल हो गया प्राइवेट का भाई, अगर जब तक हम लोग एक्शन नहीं लेंगे ना इन लोग का आदत खराब हो गया। यहाँ तक कि एक बात और हमको पता चला था लेकिन हमको भरोसा नहीं हुआ था जब तक तुमने बताया, इनके ही स्कूल में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो अपने बच्चों को जब होम ट्यूशन देते हैं स्कूल में होने वाले एग्जाम के जो पेपर होते हैं ना क्वेश्चन वो ले जा करके दे देंगे और बच्चे उनके तरफ ही खींचे चले आते हैं, और ऐसे जो शिक्षक अच्छे भी हैं उनका बर्बादी हो जा रहा है। खाली ऐसे ऐसे स्कूल कर नहीं कर रहे आपके स्कूल में अपने बच्चे का। अरे जाइए निकलिए, एकदम निकलिए बाहर। अरे पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते मेरे यहाँ एकदम। हेलो हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चा ने बहुत मेहनत किया है वीडियो बनाने में। हाँ। सुबह जग के अपने चाचा को जगाया है कि चलिए वीडियो बनाएंगे, नहीं वीडियो ने जगाया तो हम इसे। और ये जो वीडियो हमारा बेसिकली मोटिव था कि ऐसे स्कूल को टारगेट करना जहाँ पे सच में मिल तो सब कुछ रहा पढ़ाई छोड़ के। आप भी प्रिंसिपल मैम से पूछते हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे कि मुझे प्रिंसिपल बनाया गया तो, और बहुत सुनाइए लोग मुझे वीडियो देखे और आपको खुद रियलाइज होगा कि प्राइवेट स्कूलों का आजकल क्या हाल है। प्राइवेट स्कूलों के कुछ अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि सारे बुरे, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षा के नाम पे केवल और केवल पैसे हड़प रहे हैं। हमारा गुरुकुल ही पहले का अच्छा था, शिक्षा नीति अच्छा था। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।